तो वेलकम बैक टू द माई यूट्यूब चैनल। तो कैसा है मेरा भाई लोग। तो गाइज आज मैं बताने वाला हूँ कि UMP रिकॉइल जो है उसको कंट्रोल कैसे करें। तो गाइज सीन क्या हो गया है, गेरिना जो है गाइज वो सेंसिविटी में थोड़ा चेंज कर दिया है, जिससे हो क्या रहा है गाइज अपडेट के बाद रिकॉइल बहुत हो रहा है। तो बंदे सब बोल रहे थे भाई साहब रिकॉइल बहुत हो रहा है गन, तो कुछ ट्रिक लाओ। तो गाइज मिल लेते आया हूँ, फुल एकदम रिसर्च करके भाई साहब लाया हूँ। तो गाइज वीडियो को देखो और लाइक कर देना जरूर, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखो गाइज, तो गाइज होता क्या है, हमारी जो रिकॉइल है UMP जो रिकॉइल करती है गाइज वो चार चीज़ों पर मैटर करती है। सबसे पहले जनरल सेंसिटिविटी, दूसरा है रेड डॉट सेंसिटिविटी, और तीसरा है DPI, और चौथा है डिवाइस कौन सा है आपके पास। अगर ये चार चीज़ों अगर गाइस समझ गए तो पूरा एकदम UMP जो रिक्वायर आपके कंट्रोल में हो गया। तो देखो होता क्या, तो गाइस जनरल सेंसिटिविटी जो है आपको जो है 100 पे कर देना है, फुल 100 पे। अगर आपको 4GB से कम रैम है या 4GB से ज़्यादा रैम है कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल हमेशा 100 कर देना। अब है गाइज रेड डॉट का, तो रेड डॉट को क्या करना है गाइज, आप लोगों को 10 उसमें से घटा देना है, मतलब आपको 90 पे रखना है हमेशा। तो होता क्या है गाइज, अगर आप जनरल 100 कर दिए हो और रेड डॉट भी अगर 100 कर दिए तो रिकॉइल होना फिक्स है गाइज, आपका रिकॉइल होगा ही होगा। इसलिए जनरल को 100 करो और रेड डॉट को उसमें से 10 माइनस कर दो, 90 कर दो। अब मैं बताने वाला हूँ गाइज DPI आपको कितना रखना है। तो गाइज DPI जो है वो मैटर करती है आपकी डिवाइस पे, आपका डिवाइस कितना रैम पे है, कितना रैम चल रहा है उसमें। तो गाइज आपका अगर 4GB रैम है तो 4GB के लिए मैं बताता हूँ गाइज DPI कितना होना चाहिए। 4GB के लिए कम से कम आपको 500 प्लस DPI रखना पड़ेगा 4GB के लिए गाइज। अगर आपको 4GB से 6GB रैम है तो उसके लिए 700 DPI रखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है गाइज। तो यही था गाइज UMPI कंट्रोल का गाइज। तो देखो एक बार करके और फिर बताना कमेंट करके गाइज कि हुआ कि नहीं हुआ। तो गाइज चलिए यहीं पे क्लोज करते हैं वीडियो, तो एक लाइक जरूर कर देना। ओके गाइज टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।